हेलो चिल्ड्रंस, क्लास सेकंड, चैप्टर 6, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, यानी बहुत ही बड़े खजाने की, बहुत ही बड़ा खजाना। ठीक है, टेल अस अबाउट इंटरेस्टिंग गेम यू हैव प्लेड। मुझे कुछ बताइए, आप कौन सा गेम खेलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, वी विल स्टार्ट द लेसन। वन डे पीटर फाउंड ट्रेजर मैप। एक दिन एक पीटर था, उसको ट्रेजर मैप मिला। ट्रेजर मैप एक खजाने का नक्शा। हुर्रे, आई एम गोइंग टू फाइंड द ट्रेजर एंड हैव सम एडवेंचर, ही एक्सक्लेम्ड। उसने बोला कि हम खजाने की खोज में चलेंगे और कुछ एडवेंचर्स करेंगे। पीटर सेट ऑफ मतलब सोच चुका था। He walked a long way and finally reached a forest. He walked a long way. वह बहुत दूर चलता हुआ और गया और finally reached a forest और एक जंगल की तरफ पहुंच गया। There he met lion. वहां जाकर वह lion यानी शेर से मिला। You are strong and courageous, said Peter to lion. पीटर ने लॉयन से कहा कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और करेजियस यानी बहुत साहसी हो, जो किसी से नहीं डरता। विल यू कम विथ मी ऑन अ ट्रेजर हंट, क्या तुम खजाने की खोज में मेरे साथ चलोगे। किसने कहा, पीटर ने लॉयन से। लॉयन एग्रीड एंड ज्वाइन पीटर, लॉयन सहमत हुआ और उसने पीटर को ज्वाइन कर लिया या पीटर के साथ में चल गया। द फॉरेस्ट वॉज डेंस एंड डार्क, फॉरेस्ट बहुत ही घना और अंधेरी वाली जगह थी या अंधेरा था, सघन था। पीटर वॉज अफ्रेड बट द लॉयन बाय हिज साइड, पीटर थोड़ा डरा हुआ था लॉयन की, बट विथ लॉयन बाय हिज साइड ही मेट इट थ्रू, पर वो लॉयन के साथ साथ चला जा रहा था लॉयन के साथ। व्हेन द टू फाइनली रीच द माउंटेन दे मेट ईगल, जब वो दोनों माउंटेन पहाड़ पर पहुंच गए तो वह उन्हें ईगल से मिले। दे मेट ईगल, किससे मिले, ईगल से, एक चील से। यू हैव एक्सीलेंट विजन एंड कैन अलर्ट अस टू डेंजर, सेड पीटर टू ईगल। पीटर ने ईगल से क्या कहा कि तुम्हारे वो बहुत तेज नजरे हैं एंड तुम हमें कैन अलर्ट अस टू डेंजर, तुम्हें किसी भी हमें किसी भी खतरे से तुम अलर्ट चौकन्ना ही कर सकते हो। क्या तुम, विल यू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो। वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेजर, हम एक खजाने की खोज में हैं। ईगल एग्रीड एंड ज्वाइन पीटर, ईगल भी एग्रीड हो गई और उसने पीटर को ज्वाइन कर लिया। एंड द लॉयन, पीटर और लॉयन को ज्वाइन कर लिया, उसके साथ में चलने लगे। द माउंटेन वर टॉल एंड क्रेगी, माउंटेन बहुत ही बड़ा और खुरदरा था। लायन स्लिप्ड बट पीटर वॉज स्विफ्ट इनफ टू गिव हिम अ हैंड एंड पुल हिम अप। लायन वहाँ से फिसल गया बट पीटर ने अपना हाथ दे के उसको ऊपर की तरफ खींच लिया। ईगल विथ हिज शार्प विजन वॉच्ड एवरी स्टेप दे टुक, और ईगल अपनी अपनी तेज नज़रों से हर एक कदम को देखता हुआ चल रहा था। ओके चिल्ड्रंस, हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पेज कल पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, सेकंड क्लास चैप्टर 6 का नेक्स्ट पेज। यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। सून दे रीच द वैली बिलो वेयर दे मेड शिप, जब वो घाटी के नीचे उतरे तो उनको वो किससे मिले, शिप से, यानी शिप यानी भेड़ से मिले। विल यू जॉइन अस इन अवर सर्च फॉर ट्रेजर, तो उसने पूछा कि क्या तुम हमें खजाने की खोज में, पीटर ने पूछा खजाने की खोज में हमारे साथ चलोगे। पीटर आस्क्ड द शिप, किसने पूछा, पीटर ने शिप से। एंड कीप अस वार्म व्हेन इट्स कोल्ड, तो तुम हमें गर्म रखना जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो। शिप एग्रीड एंड जॉइंड पीटर लॉयन एंड द ईगल, तो शिप भी किसने किस किस को ज्वाइन करा, पीटर को, लॉयन को और द ईगल को। ठीक है, अ कोल्ड विंड स्वेप्ट अक्रॉस द एंडलेस मीडो, घास के मैदान में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी या हवा बह रही थी। मीडो यानी घास का मैदान। ओके, दे ऑल हडल्ड
अगेंस्ट शिप हु केप देम वॉर्म एंड कोजी। और शिप के पास में रहकर इनको कैसा लग रहा था, गर्म सा और कोजी यानी आरामदायक। ठीक है, द फोर फाइनली रीच द डेजर्ट। ये चार कहाँ पहुँच चुके थे, डेजर्ट में पहुँच चुके थे। वेयर दे मेट अ कैमल, वहाँ वो किससे मिले, कैमल से यानी ऊँट से। यू आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम्हें डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेड पीटर टू कैमल, किसने कहा, पीटर ने कैमल से। विल यू हेल्प अस गेट अक्रॉस एंड जॉइन द ट्रेजर हंट टू, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे और खजाने की खोज करोगे। कैमल एग्रीड, कैमल क्या बोला, कैमल सहमत हो गया। पीटर लोयन एंड शिप माउंटेड द कैमल एंड सेट ऑफ हैप्पीली अक्रॉस द वेस्ट डेजर्ट। पीटर लोयन और शिप किस पे चढ़ गए, माउंटेड यानी किसी के ऊपर घुड़सवारी के लिए चढ़ना, तो कैमल पे चढ़ गए और सेट ऑफ हैप्पीली अक्रॉस द वेस्ट डेजर्ट, तो और वे डेजर्ट को यानी रेगिस्तान को पार करने लगे। विद द ईगल इंजॉइंग द स्पेक्टिकल फ्रॉम अबव, और ईगल क्या करने लगा, ईगल उन पे नज़र रखने लगा। कैमल बिगन ग्लोपिंग एंड एवरीबडी चीयरिंग विद एक्साइटमेंट, कैमल जल्दी जल्दी चलने लगा और सभी उसको चीयर करने लगे यानी उसको उत्साहित करने लगे। क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन कैमल बैक बहुत थ्रिलिंग, कि कैमल की बैक पर बैठना कैसा था, बहुत ही थ्रिलिंग या बहुत ही मज़ेदार था। द फाइव फाइनली रीच द ओशन वेयर दे मेट अ टर्टल, कैन यू हेल्प अस क्रॉस द ओशन, वो पांचों कहाँ पहुँचे, ओशंस के पास में पहुँचे, सागर के पास में पहुँचे। उन्हें कौन मिला, टर्टल, टर्टल से उन्होंने पूछा, टर्टल यानी कछुआ जो पानी में रहता है, कछुए से पूछा कि तुम हमें ये ओशन पार करने में मदद करोगे। वी आर ऑन अ ट्रीजर हंट, हम एक खजाने की खोज में हैं। टर्टल एग्रीड एंड जॉइन पीटर लोयन ईगल शिप एंड कैमल, टर्टल भी सहमत हो गया और उसने किस किस को ज्वाइन करा, पीटर लोयन ईगल शिप एंड कैमल। द रफ वेव ऑलमोस्ट ड्रोन द पार्टी बट टर्टल ट्रांसपोर्टेड देम अक्रॉस, द रफ वेव ऑलमोस्ट ड्रोन द पार्टी, रफ ड्रोन द पार्टी बट टर्टल ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस, ये काफ़ी मुश्किल रास्ता था पर टर्टल ने उनको ट्रांसपोर्टेड यानी पहुंचा दिया, क्रॉस करवा दिया। दे मेट आउल ऑन द अदर साइड, आउल स्पोक फ्रॉम हिज विजडम, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड द ट्रीजर, कहाँ पूछे, ये उल्लू के, आउल है ना उल्लू के पास पहुंचे जो कि दूसरी तरफ था। आउल स्पोक फ्रॉम हिज विजडम, उसने आउल ने क्या कहा, अपनी बुद्धिमता से, विजडम यानी अपने दिमाग या अपनी बुद्धिमता से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड द ट्रीजर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने खजाने की खोज कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन करा। वेयर इज इट, दे ऑल एक्सलेम्ड इन सरप्राइज, उन सब ने पूछा कि कहाँ है। टुगेदर यू हैव पास द फॉरेस्ट, तुमने साथ में जंगल को पार करा। क्लिम द माउंटेन, पहाड़ पे चढ़े। डेड द वैली, घाटी को, घाटी से पार हुए। ब्रेव द डेजर्ट, बहादुरी से रेगिस्तान को पार किया। एंड क्रॉस द ओशन, और सागर को क्रॉस करा या सागर को भी पार करा। यू वुड नेवर हैव डन इट विदाउट वन अनादर, कि तुम एक दूसरे की मदद के बिना ये कभी नहीं कर सकते थे। दे ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड न्यू दैट आउल वॉज राइट, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने कहा कि आउल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दे हैड फाउंड फ्रेंडशिप, उन्होंने क्या खोज करी थी, अपनी दोस्ती की। इंडीड, जो कि दे हैड फाउंड द ग्रेटेस्ट ट्रीजर एवर, और वो उनको क्या मिला था, ऐसा खजाना मिला था जो कहीं कभी किसी को मिलता है। दे हैड फाउंड ए ग्रेटेस्ट, जो उनको कभी कभी समय में किसी को बड़े मुश्किलों से मिलता है, जो कि क्या है, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप क्या है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ट्रीजर। ओके बच्चों।